नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसी बीच बता दें आपको एक बड़ी खबर। छत से नीचे गिरी दुल्हन, हार्ट अटैक से हुई मौत, फिर घर वालों ने करा दी दुल्हन की बहन से शादी। गुजरात के भावनगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शादी के दिन ही दुल्हन को हार्ट अटैक आ गया, वह छत से गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जिस घर में शहनाई गूंज रही थी वहां मातम पसर गया। तभी परिवार वालों ने मिलकर बड़ा फैसला लिया और दुल्हन की बहन से शादी करा दी। खुशी के मौके पर कभी कभी ऐसे वाक्य हो जाते हैं जो अचरज में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात के भावनगर में। पूरा परिवार शादी में मशगूल था, नाच गाना चल रहा था, घर पर रिश्तेदारों की लाइन लगी थी, हर ओर जश्न और खुशी का माहौल था। इसी बीच अचानक आनंद फीका पड़ गया। पता चला कि दुल्हन छत से गिर गई। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। आप सोच रहे होंगे फिर तो शादी रोक दी गई होगी। कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर मौत की वजह क्या है। आइए बताते हैं। दरअसल भावनगर के राणा भाई बुटावई अलगोटार के बेटे विशाल की शादी जिना भाई राठौर की बेटी हेतल से तय हुई थी। सब लोग खुशी खुशी तैयारियों में जुटे थे। भगवानेश्वर मंदिर के सामने शादी समारोह का आयोजन किया गया था। घर में मेहमानों और रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, संगीत बज रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से पहले हेतल का सिर घूमने लगा, वह छत पर पहुंची ताकि खुली हवा में सांस ले सके, लेकिन बेहोश होकर छत से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद शादी वाले घर में हंगामा मच गया। घर के लोग भागकर अस्पताल ले गए पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। साफ कह दिया कि हेतल की तो कुछ देर पहले ही मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि हेतल को हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। नतीजा ये हुआ कि जिस घर में थोड़ी देर पहले शादी के गीतों की धूम थी वहां बेटी की मौत पर मातम का साया पसर गया। दोनों परिवार वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मालधारी समुदाय ने एक प्रेरक निर्णय लिया, दोनों परिवारों को समझाया और दुल्हन की छोटी बहन से शादी कराने की बात कही ताकि जान मांडवे से वापस ना जाए। थोड़ी सी नानुकुर के बाद आखिरकार दोनों परिवार इस फैसले पर राजी हो गए। भावनगर शहर के नगर सेवक व मालधारी समाज के नेता लक्ष्मण भाई राठौर ने कहा कि जो घटना हुई वह अत्यंत दुखद है। हम सबको लौटा तो नहीं सकते, वह दर्द जरूर कम कर सकते हैं। इसीलिए समाज ने मिलकर ये फैसला लिया। समाज के बारे में सोचकर दोनों परिवारों ने जो मिसाल पेश की है वह वाकई काबिले तारीफ है। शादी की रस्में पूरी होने तक हेतल के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया था। बाद में उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। जो कुछ भी हुआ है वो बेहद तकलीफ देह है और हमारी पूरी संवेदना है। इस कठिन समय से गुजरने के बावजूद भी परिवार ने एक बेहद बोल्ड डिसीजन लिया और अपनी छोटी बेटी की शादी करवा दी। पूरा समुदाय राठौर परिवार के साथ खड़ा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब गुजरात में किसी परिवार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। हम हेतल के पिता को दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर आप भी हैं चर्म रोग से परेशान तो अब तुरंत मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में चर्म रोग विशेषज्ञ दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, फुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के SN हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार फैमिली फिजिशियन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। हमारा पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास मनोज मेडिकल के बराबर में फिरोजाबाद।